फरुखाबाद से बड़ी खबर है। धरने पर बैठे हैं जिले के लेखपाल, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर धरने पर बैठे हैं। जिला अध्यक्ष अजीत दुबे के नेतृत्व में लेखपाल धरने पर बैठे हैं। बीते दिनों दो लेखपालों के साथ मारपीट को लेकर धरना दे रहे हैं। प्रशासन कार्रवाई की जाएगी तो धरना समाप्त कर दिया जाएगा। फरुखाबाद तहसील सदर परिसर का यह मामला है। तहसील सदर का राजस्व ग्राम उखरा, वहाँ पर लेखपालों के साथ घटना हुई थी। जालेवा हमला किया गया था अभी बना थे शाम को। थाना नवाबगंज में जो है FIR दर्ज कराई गई। FIR दर्ज कराने के बाद जो है सिलसिला जारी है। सरयू नदी में आज फिर मिली है मासूम। आपको बता दें, खबर बस्ती से, जिले में शवों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। सरयू नदी में आज फिर मिली है मासूम की लाश। एक हफ्ते के भीतर ये दूसरी लाश मिली है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बोलिया थाना क्षेत्र के खलवा गांव के पास का यह मामला बताया जा रहा है। बस्ती से खबर है, जहां जिले में शवों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। और वहीं आगरा में एक होटल में युवती ने आत्महत्या कर ली है। युवती की आत्महत्या से होटल में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ताजगंज इलाके के स्टार ऑफ ताज होटल का यह मामला बताया जा रहा है। थाने में ये सूचना प्राप्त हुई कि होटल स्टार ऑफ ताज में, जो कि बसई में, यहाँ पर एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। मौके पर पहुंचकर जानकारी की गई तो पता चला कि फरुखाबाद में दो थाना अध्यक्षों से चार्ज लिया गया है। SP ने रणविजय सिंह और हरिश्याम को अपराध शाखा में भेजा है। SOG प्रभारी जितेंद्र पटेल की जहानगंज थाना अध्यक्ष में तैनाती की गई है। दो थाना अध्यक्षों से इस पूरे मामले में चार्ज लिया गया है। रणविजय सिंह और हरिश्याम को अपराध शाखा में भेजा गया है।